नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीना राठौड़ और पीआरजी की टीम की तरफ से हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं और उनके मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। इसी सिलसिले में हमारे बीच मौजूद है तबला वादक आशीष जी रागवानी। आइए मिलते हैं उनसे, करते हैं बातचीत और जानते हैं उनके मन की बात। लेकिन उनसे बात करने से पहले आइए देखते हैं उनके टैलेंट की एक झलक। सर, पीआरजी स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या सर, सबसे पहले हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, आपके तबला प्ले करते हैं उसके बारे में। आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ तबला प्ले करना? इंटरेस्ट की जहाँ तक बात आती है, जहाँ से जैसे मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जैसे मेरी पूरी म्यूजिकल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप की जहाँ तक बात आती है, म्यूजिक का इंटरेस्ट की जहाँ तक बात आती है, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अदर गेम्स हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऑप्शन काफ़ी थे, बट जो इंटरेस्ट होता है वो म्यूज़िक की तरफ ही था, क्योंकि म्यूज़िक का एटमोसफियर घर में रहा है स्टार्टिंग से, तो सब म्यूजिशियंस अच्छे अच्छे लोगों का आना जाना, तो उसी हिसाब से म्यूज़िक का मेरा इसमें मेरी इंटरेस्ट रही और तबला मुझे दिया हाथ में। ओके, आप म्यूज़िकल बैकग्राउंड से हैं, आपकी फैमिली में सभी तबला ही यूज़ करते हैं या अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ होते हैं? इसकी जो लेगेसी जो हमारे चली आ रही है वो मेरे मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों के दोनों फैमिली में ही म्यूज़िक है। तो मेरे जो पैटर्नल साइड है उसके अंदर मेरे फादर हैं, तो सो ही इज़ अ तबला प्लेयर एंड ही इज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर। ओके, मेरी जो मदर है शी इज़ अ कोरियोग्राफर एंड उनको प्रेसिडेंट अवार्डेड है शी इज़। तो एंड मेरा जो छोटा भाई है ही इज़ ऑल्सो लर्निंग गिटार। और जो मेरा मैटरनल साइड है, ननियाल साइड, उसके अंदर मेरी जो नानी जी है, तो अगर बोलूँ कि मेरे फैमिली के अंदर म्यूज़िक जहाँ से चालू हुआ तो वो है, वहाँ से हमारे घर में म्यूज़िक चालू हुआ एंड शी वॉज द फर्स्ट भवाई डांसर इन इंडिया एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल कथा रिसाइटलिस्ट, जो कथावाचक होते हैं, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल कथावाचक इन राजस्थान। तो वहाँ से फिर म्यूज़िक हमारे फैमिली में चालू होता है। फिर मेरे मामा जी है डॉक्टर इंद्रजीत छंगानी, तो उन्हीं के वो भी PhD है म्यूज़िक में, MA गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरे नाना जी ही इज़ अ वेरी एमिनेंट राइटर। और फिर वहीं से मुझे भी तबला चालू हुआ, फिर धीरे धीरे फैमिली का भी सपोर्ट रहा, अच्छे गुरु मिले तो आगे उसको कंटिन्यू कर पाए। वाई तबला ओनली? लाइक आप सिंगिंग चूज़ कर सकते थे, आपने बताया आपकी मॉम कोरियोग्राफर है, आप कोरियोग्राफी चूज़ कर सकते थे, तबला में, मतलब बेसिकली क्वेश्चन यही है, तबला में ही कैसा इंटरेस्ट हुआ आपका? तबला में इंटरेस्ट मैं यूँ कहूँ कि जब व्हेन आई वाज अराउंड 3 or 4 years, जब मेरी वो एज थी, उस टाइम फैमिली के अंदर गाने वाले काफ़ी थे। मतलब मैं ननियाल साइड में मैं ज़्यादा पला बढ़ा रहा हूँ, बचपन मेरा वहीं पे ज़्यादा रहा है, तो मामा जी की क्लासेस लगती थी, तो ही यूज़ टू टीच एंड ही इज़ टीचिंग। तो उनकी जो क्लासेस लगती थी उसके अंदर काफ़ी सिंगर्स वगैरह, काफ़ी उनके स्टूडेंट्स आते थे। नानी जी भी सिंगर थे और पिताजी जनरली टूर पर रहते थे, तो उनका इतना मुझे सुनना नहीं पड़ा, मतलब उनका इतना सुनने का मुझे इतना अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिली। तो ननियाल साइड में से बड़ा हुआ, तो क्लासेस के अंदर मुझे शौक़ था, तबला पड़ा रहता था, तो बजाते बजाते फिर धीरे धीरे मुझे उसी के अंदर, मेरे मामा जी हैं तो उन्होंने थोड़े बहुत उसके अंदर जो जैसे बोलते हैं कि नुस्ख वगैरह होते हैं, तो वो वहीं से मुझे मेरी जो तालीम है वहाँ से स्टार्ट हुई, तो ऐसे करके मुझे तबले में शौक़ लगा। तबला के अलावा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? तबला के अंदर, म्यूज़िक के अंदर तो मेन मेरे तबला में काफ़ी इंटरेस्ट है, और बजाने के साथ साथ मुझे सुनना बहुत पसंद है। बजाना तो है ही है, बट उसके साथ मुझे सुनना हर तरीके के गाने या म्यूज़िक, चाहे क्लासिकल हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे जैज़ हो, तो सभी मैं सुनता हूँ और सब मुझे। ओके, एंड आपकी स्टडी हुई है वो भी म्यूज़िक में ही हुई है या? जी, स्टडी की जहाँ तक बात आती है तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी चल रही है, और स्टडी के अंदर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ,
तो मेरी 12th तक में अभी मैं कॉमर्स कंप्यूटर से बिलोंग करता था, देन मेरी बीकॉम हुई, ग्रेजुएशन हुई, अभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम फाइनल में हूँ मैं। उसके अलावा म्यूज़िक के अंदर मैं विशारद जो कोर्स होता है विच इज़ इक्वलेंट टू ग्रेजुएशन, तो वो भी मेरी चल रही है, उसका मेरा लास्ट ईयर है, तो इसके साथ साथ मेरा विशारद कंप्लीट हो जाएगा। एंड साइंस के बैकग्राउंड से भी मुझे काफ़ी जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि सबसे पहले मुझे स्कॉलरशिप मिली थी बिंदास चैनल की तरफ से कि मैं AR रहमान इंस्टीट्यूट में जाके साउंड इंजीनियरिंग सीखूं। हालांकि कोई एग्ज़ाम्स के चक्कर में मैं वहाँ जा नहीं पाया था, तो फिर उससे मेरे को थोड़ा साइंस में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा, तो म्यूज़िक एडिटिंग वगैरह इसका भी मुझे शौक लगा, प्लस कंप्यूटर, क्योंकि मेरे 11th 12th जो है मेरा कंप्यूटर से था, तो कंप्यूटर असेंबलिंग से लेके वेबसाइट डिज़ाइनिंग तक भी मैंने कोर्स किए थे, तो स्टडी अलग है और ये भी चल रहा है। ओके गुड, आपने किन किन के साथ काम किया है हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे। इन दिस मैटर आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि बहुत कम एज में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसका क्रेडिट कम्प्लीटली मेरी फैमिली और मेरे गुरुजी को जाता है कि अच्छे से मुझे प्रॉपर जिसे बोलते हैं कि एनकरेज करना प्लस प्रॉपर गाइडेंस पे चलना, तो मेरे पिताजी का हमेशा गाइडेंस बहुत अच्छा रहा है, तो उसके चलते मुझे बहुत कम एज में काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, डांसर्स के साथ, गज़ल सिंगर्स के साथ और सोलो भी काफ़ी बजाने का मुझे मौका मिला है, तो जिसमें से पद्मश्री अनूप जलोटा जी है उनके साथ मैंने बजाया, बहुत अच्छे सिंगर पूजा गायतोंडे जी है उनके साथ बजाया, कलकत्ता के समन्वय सरकार दे बुबरे अधिकारी जी है उनके साथ बजाया, और भी काफ़ी जनों के साथ मेरे बजाने का मौका मिला। उसके अलावा सोलो की जहाँ तक बात आती है, तो जो मेरा ड्रीम स्टेज जिसे बोलते हैं ड्रीम स्टेज होता है, तो उसके अंदर मेरे सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आते होते हैं सप्तक फेस्टिवल जो अहमदाबाद में होता है, उसके अलावा एक हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन विच इज़ द फर्स्ट एवर म्यूज़िक स्टेज, मतलब सबसे पहले जो म्यूज़िक स्टेज, पहला म्यूज़िक स्टेज जिसे अपन बोल सकते हैं क्लासिकल का, उससे पहले कोर्ट्स वगैरह में राजा महाराजों के दरबार में होता था, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज था दैट इज़ हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, तो सप्तक के अंदर मुझे जाने की काफ़ी इच्छा रहती थी, तो उसके अंदर मैंने पता किया कैसे जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं यंग जनरेशन में हूँ, इतना कोई बड़ा नाम नहीं है और वैसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बड़े ऐसा कुछ, तो कैसे जाना रहा, तो उसके लिए मैंने पता किया कॉम्पिटिशन होता है नंदन मेहता शास्त्रीय तालवाद्य स्पर्धा, तो उसके अंदर मैं गया, तो उसके अंदर काफ़ी तबला प्लेयर्स पखावज प्लेयर ऑल ओवर वर्ल्ड से आए थे, तो वो कॉम्पिटिशन मैंने फ़ाइट किया और उसके अंदर मैं टॉप 3 में आया था नेशनली। उसके बाद हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन है, उसके भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी गया, उसमें भी मेरा अच्छा नंबर लगा, तो ऐसे करके ये सारे स्टेज कवर हुए, होते होते अब्रॉड भी टूर काफ़ी हुए। तो कौन कौन से आप देश और घूम के आए हैं? जी मेरा अभी 2 टूर मेरे मलेशिया के हुए हैं रिसेंटली, और अभी मैं कल ही नेपाल काठमांडू मेरा प्रोग्राम था वहाँ से आया हूँ, और 5 दिन बाद मेरा वापस मलेशिया सिंगापुर का टूर है। ओके, सबसे ज़्यादा पसंद अगर कहें आप किन के साथ बजाना पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा, जो एक ये भी कह सकते हैं कि एक ड्रीम हो आपका कि इन पर्टिकुलर पर्सनालिटी के साथ मुझे एक बार लाइफ में बजाना है? ऐसे वैसे तो देखा जाए तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी होगी क्योंकि इस सारे जेंट्स को मैं सुनता हूँ और सबके मुझे काफ़ी लोग पसंद है, और फॉर्चुनेटली जो मेरे आइडल्स रहते हैं उनके साथ मुझे बहुत कम एज में बजाने का मौका मिला भी है, और मैं चाहूँगा मुझे आगे भी मिले, जैसे मेरे आइडल कह सकते हैं जाकिर हुसैन साहब है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी, उनको उनके साथ बजाना दूर की बात है, बस एक बार उनको लाइव वो हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, तो वो है, और हरिहरन जी है, ए हरिहरन, गुलाम अली जी है, तो इनके साथ अगर मुझे बजाने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूब। अच्छा, सबके अपने पास टाइम्स होते हैं, तो तबला जाहिर सी बात है आपकी हॉबी, प्रोफेशन तो है ही बट आपकी फर्स्ट हॉबी भी है होगी ही, तो उसके अलावा आपके पास टाइम फेवरेट क्या है? टाइम एक्चुअली देखा जाए तो इतना कुछ हमारे पास बचता नहीं है, क्योंकि दिनचर्या कुछ ऐसा रहता है कि या तो एजुकेशन है और या फिर तबला है, मतलब अगर 24 आवर्स में से अगर सारे काम निकाल के अगर मेरे पास अगर 15 आवर्स बचते हैं तो आउट ऑफ 15 10 आवर्स मेरे तबले में जाते हैं। ओके, तो मेन जो इसके अलावा और आपका कोई हॉबी नहीं है पास टाइम? नहीं, वैसे मुझे स्विमिंग करना काफ़ी पसंद है, बाकी मैं तबला प्रेफर करता हूँ।
ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आशीष जी आपसे बातें करके, आपके बारे में जान के, एंड हमारी टीम बहुत हैप्पी है, हमारे साथ में इंटरनेशनल आर्टिस्ट है अभी, तो आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए, वक्त निकाला। लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे, जैसा कि हमारा कंसेप्ट है जीवन दर्पण मन की बात, तो आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश ज़रूर दें या अपने मन की कोई बात कहना चाहें तो ज़रूर कहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी बनना है, हालांकि मैं भी अभी कुछ बना नहीं हूँ, मैं बनने के उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गुरु शिष्य परंपरा जो है म्यूज़िक के अंदर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जैसे कि मैं भी हूँ, मेरे भी जो मेरा गुरु शिष्य परंपरा से मैं सीख रहा हूँ, सबसे पहले मेरे नानी जी, मेरे मामा जी ने मुझे म्यूज़िक दिया, मतलब तबला मुझे गाइडेंस दी, फिर मेरे पिताजी का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा, हर मतलब गाइडेंस जो प्रॉपर गाइडेंस होती है वो उनसे मुझे मिली, फिर मैं उस्ताद अब्दुल शकूर सुलेमानी जी बीकानेर से है, उनसे सीखा मैंने, उसके बाद अभी 9 साल हो गए मैं पंडित महेंद्र जी परिहार से अभी मैं प्रेजेंटली सीख रहा हूँ। तो गुरु शिष्य परंपरा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मेरी बस यही कहना है कि अगर आप म्यूज़िक के अंदर जा रहे हैं तो गुरु शिष्य परंपरा को प्रॉपरली फॉलो करें। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे पधारे, हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ तबला वादक आशीष जी राघवानी। इसी तरह राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, उनके मन की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। तब तक के लिए बने रहिए PRG की टीम और टीना राठौड़ के साथ। नमस्कार।